दोपहर के खाने के बाद थकावट या कमज़ोरी महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। माहरीन ने दोपहर के खाने के बाद ब्लड शुगर में इजाफे को रोकने के लिए तजावीज़ की फहरिस्त दी है। अगर आप देखते हैं कि दोपहर के खाने के बाद आपके ब्लड शुगर की सतह बढ़ रही है तो ये तजावीज़ आपको इससे बचने में मदद करेंगी। क्या आप अक्सर दोपहर के खाने के बाद थकावट और कम तवानाई महसूस करते हैं? ये दोपहर के खाने के बाद ब्लड शुगर में इजाफे की वजह से है जो आपको खुश्क और गैर पैदावार महसूस कर सकता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपके जिस्म के ब्लड शुगर को मौसर तरीके से कम करने की सलाहियत कम हो सकती है जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर में इजाफे के नतीजे में खून की नालियों को सख्त और तंग किया जा सकता है जिससे मुमकिन तौर पर हार्ट अटैक या फालिज का ख़तरा बढ़ सकता है। दोपहर के खाने के बाद ब्लड शुगर में इजाफे को रोकने के लिए मुस्तहकम खून में शक्कर की सतह को बरकरार रखना मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए जो डायबिटीज़ के शिकार हैं या जिनको इसकी नशोनुमा का ख़तरा है। दोपहर के खाने के बाद ब्लड शुगर में इजाफे को रोकने में मदद के लिए कुछ नकात। मुतवाजन खानों का मकसद जिसमें पेचीदा कार्बोहाइड्रेट, दुबली पतली प्रोटीन और मन चिकनाई शामिल है। बेहतर शक्कर और कार्बोहाइड्रेट से परहेज करें। इंसुलिन के खिलाफ मुजाहमत वाले अफराद को कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेसिंग में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लिहाजा आपको खाने और मशरूबात को महदूद करना चाहिए या इनसे परहेज करना चाहिए जिनमें बेहतर शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे मीठे मशरूबात, कैंडी, सफ़ेद रोटी और पेस्ट्री वगैरह। अपने दोपहर के खाने में फाइबर से भरपूर गिज़ाएँ शामिल करें क्योंकि वो शक्कर के जज्ब को कम करते हैं और खून में शक्कर के बेहतर कंट्रोल को फ़रोग देते हैं। फल, सब्ज़ियाँ, फलियाँ और अनाज जैसी गिज़ाएँ फाइबर के बेहतरीन ज़राए हैं। खाने के दौरान अपना वक्त निकालें और अपना खाना पूरी तरह चबा लें। आहिस्ता आहिस्ता खाने से ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल करने और खाने के बाद बढ़ने के इम्कानात को कम करने में मदद मिल सकती है। खाना छोड़ने से गुरेज करें। गैर मुस्तहकम खून में शक्कर की सतह खाने को छोड़ने के नतीजे में हो सकती है। पानी या बगैर मीठे मशरूबात से अच्छी तरह हाइड्रेट रहें। पानी की कमी खून में शक्कर की सतह को मुतासिर कर सकती है, इसलिए मुनासिब मकदार में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मी में मशगूल होना जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना या किसी भी किस्म की वर्जिश इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बना सकती है और खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। अगर आपको डायबिटीज है या आपको ब्लड शुगर में इजाफे के बारे में तशवीश है तो अपनी इनफरादी ज़रूरियात के लिए मुनासिब कार्बोहाइड्रेट की मकदार का तयन करने के लिए रजिस्टर गजाई माहरीन या सेहत की देखभाल फराहम करने वाले के साथ काम करें। ज़्यादा तनाव की सतह खून में शक्कर की सतह को मुतासिर कर सकती है। तनाव को कम करने वाली तकनीकों पर अमल करें जैसे जहन साजी, गहरी सांस लेने, योगा या मुराकबा। ब्लड शुगर की सतह को मुनज़म करने के लिए एक ज़ाती मंसूबा तैयार करें। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।